नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैंडेड स्टॉक्स में। हर बार की तरह इस बार भी मैं वीकेंड में एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला कंपनी लेकर आया हूँ, लेकिन ये मेरे नज़रिए से है और हर कंपनीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती है, तो हमें उसमें फोकस करना है कि अगर इसमें रेशियो किसका ज़्यादा है अच्छा है, रिवार्ड साइड में ज़्यादा अच्छा है कि रिस्क साइड में ज़्यादा अच्छा है, तो हमें उस बेसिस पे और आप लोग अपना एनालिसिस करेंगे और अच्छे से स्टडी करने के बाद ही कोई कंपनी में या फिर किसी के बताए गए कंपनी या खुद के चुने गए कंपनी या मेरे द्वारा बताए गए कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो ऐसा देख लीजिएगा, नहीं देखना होगा तो मत देखिएगा, लेकिन देखने से आप लोगों के लिए भलाई है। ठीक है, देखिए आज इंट्राडे ट्रेडिंग आप करें, हमेशा करें, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन रिस्क कैपिटल से करें। आपका 90% जो फोकस होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग से उलट इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम एक कंपनी की बात करेंगे, वो कंपनी है, मैं कहता हूँ ना जो हॉस्पिटल या मेडिकल इक्विपमेंट्स जो बनाते हैं, तो ऐसी टाइप की कंपनी है, तो वो है न्यूरेका लिमिटेड। आप लोग नाम सुने होंगे न्यूरेका लिमिटेड, ये 2016 में इसे फाउंड किया गया है। ठीक है, और ये 1492 करोड़ की मार्केट कैप है एंड इट्स करेंट मार्केट प्राइस इज 1492 ओनली। ओके, हाई प्राइस्ड है, कोई बात नहीं। आरओसी है 56.7%, आरओई है 55.9%, दैट इज सुपर। फेस वैल्यू है 10, तो स्प्लिट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ROA है, रिटर्न ऑन एसेट्स 38.5%, दैट इज ऑल्सो गुड। डेप्थ ओके है, ना के बराबर है। ठीक है, तो ये कंपनी करती क्या है, इट्स अ लीडिंग हेल्थ केयर एंड वेलनेस कंपनी विद प्रोडक्ट रेंज ऑफ ओवर 150 SKUs। ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, तो विभिन्न प्रकार के जो कैटेगरीज होते हैं उनमें लीडिंग हेल्थ केयर कंपनीज है। ठीक है, ये कंट्रीज इंडिया का फर्स्ट डिजिटल हेल्थ केयर एंड वेलनेस कंपनी टू सेल प्रोडक्ट थ्रू इट्स वेबसाइट एंड नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन पार्टनर्स। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ही अपना बिजनेस ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं। तो हम इस कंपनी के बारे में जान रहे हैं, देखिए मैं नोट डाउन करके रखा हूँ पेपर में, तो यहाँ से मैं आपको देख के बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, ये एक क्रॉनिक डिजीजेस से रिलेटेड ऑर्थोपैथिक प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, मदर एंड बेबी के न्यूट्रिशन और कनेक्टेड डिवाइसेस रिलेटेड टू अदर एलिमेंट्स। तो इन सारे बीमारियों में जो भी जो प्रोडक्ट्स है ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ओके, कंपनीज के शॉर्ट में बता देता हूँ प्रोज और कॉन्स क्या है, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। अच्छाइयाँ ये है कि ये एसेट लाइट बिजनेस है। ठीक है, ये एसेट लाइट बिजनेस है, इसका डेप्थ बहुत लो है, अच्छी बात है, और ये अपने प्रॉफिट ना बहुत अच्छी तरीके से जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और इसमें बुराई क्या है, कैश फ्लो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैश फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका, इसलिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मतलब थोड़ा सा इसमें कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि अचानक इसमें जो शार्प रन ऑफ प्राइसेस होता है, मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि शार्प रन ऑफ प्राइसेस जो होता है, अनएक्सपेक्टेड रन जो होता है प्राइस में, दैट इज़ बहुत रिस्की होता है। वो शेयर होल्डर्स के लिए जो है ना, कोई अगर 1492 में अगर इसे या 1500 में इसे बाय करके रखा हो, अगर यह अभी डाउनफॉल तो आएगा, ये करेक्शन आता है और फिर जाके वो जैसे एक कर्व में फिर आगे बढ़ेगा, तो हमेशा शार्प रन ऑफ प्राइसेस को थोड़ा सा संभाल के रखना होता है। नेक्स्ट इसका जो है थर्ड इज पुअर वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी खास नहीं है, तो ये नेगेटिव रहता है शेयर होल्डर्स के लिए। पुअर कैपिटल एलोकेशन बिकॉज इट्स मैक्सिमम जो कैपिटल है इसके एसेट्स में वो किया हुआ है, एसेट्स में कन्वर्टेड है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है शेयर होल्डर्स के लिए। और भी कई सारे हैं जैसे इसका आगे बताते हैं, ये कंपनी का जो ग्रोथ, कंपनी को जो बूस्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कंपनी को जो बूस्ट मिलेगी, पावर मिलेगी अपने आप को और बढ़ाने की, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है। ये कंपनी की जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ बीमारी भी इंक्रीज हो रही है, तो बीमारी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो इसका जो
जो प्रोडक्शन सॉरी जो भी ये फैसिलिटीज ला रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्लस जो मतलब जो वेलनेस प्रोडक्ट्स ला रही है, तो ये एक नया इनोवेशन का काम करेगा और मार्केट में नया ग्रैब अपॉर्चुनिटीज और नए नए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका हेल्थ केयर मतलब जो आज के डेट में जो हेल्थ केयर जो चल रहा है, हेल्थ केयर को लेके जो एक क्या बोलूँ उसको उद्वेग चल रहा है कि हाँ मुझे अपना हेल्थ केयर ये मशीन से ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, फिर ये चाहिए पल्स मीटर चाहिए, तो हर चीज़ को एक हम क्या करते हैं डिजिटल रूप से हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें मीटर से ही पता चल जाए कि मेरा हार्ट बीट कितना जा रहा है, मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है। तो इन सब तरीके से एक हेल्थ केयर कॉशियसनेस की वजह से इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकने का आशा है। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम भी है, तो अभी हर कोई, एक समय ऐसा था किसी को मार्क्स के बारे में पता नहीं था, आज एक बच्चा बच्चा भी मार्क्स के बारे में जानता है कि मुझे मार्क्स पैदा है, बस एक मास्क एक एग्जांपल है। तो हेल्थ केयर में कैसे अपने आप को ठीक रखना है, तो मार्केट में इसका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट है जैसे ड्यू टू कोविड 19 है, जो अभी हॉस्पिटल आदमी ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता है, लोगों के दिमाग में यह है कि अगर हॉस्पिटल जाऊँगा तो कोरोना से कोरोना जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आदमी आजकल हॉस्पिटल जाना बंद है, मैक्सिमम बंद है, और कोशिश करता है कि इंडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो जाए, तो इसमें ये कंपनी अच्छा पारंगत है, तो दैट इज़ गुड फॉर दिस कंपनी। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रेशर्स ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जैसे अभी अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है अपने अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, तो इस कंपनी और ऐसी टाइप की कंपनीज के सहारा लेंगे। एडवांसेस इन होम केयर होम हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, आजकल घर में ही ऑक्सीजन का ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है घर में एक्मोडेट करने का, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा कि घर में ही ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी होंगे कम पैसों में, देखते हैं क्या होता है। ये इसका बूस्टिंग कुछ पॉइंट्स है, तो ये कंपनी के फेवर में हो सकता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स एंड फोकस ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन, तो ये इनोवेशन भी कर रहे हैं और जो भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके क्वालिटी भी ज़बरदस्त होते हैं, तो दैट इज़ फाइन एंड गुड ओके फॉर दिस कंपनी। नंबर टू इज फोकस ऑन क्रिएटिंग कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स यूजिंग एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, राइट, तो कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। ठीक है, नंबर थ्री इज जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज होता है यहाँ पे उसकी कंपनी पे, तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले जो सुपरविजन या फिर मैनेजरियल जो पोस्ट में रहता है वो ज़बरदस्त है, तो ये कंपनी को और आगे और फ्यूचर जो मिशंस और विजन्स होते हैं वो पूरा करने में बहुत बड़ा सहायक घोषित होगा। ठीक है, नंबर फोर इस जो इसके जो डिजिटली जो ये जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हर चीज़ का डिजिटली प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, हमें अपने मार्केट बेस को यहाँ तक फैलाना है, तो आजकल इस कंपनी के जरिए आपको थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ रहा है और थर्ड पार्टी के जरिए ही अपने आप को ये फैला रहा है, जो मैनुअली इसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, कंपनी का स्ट्रेंथ है। नंबर जो अभी इसका वीकनेस का इस कंपनी की कमजोरी क्या है और उस कमजोरी पे हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है। कमजोरी ये है कि अगर इनका अभी तो इनका शायद इनके आसपास कोई कंपटीटर अभी फिलहाल भटक भी नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जिस दिन इसका कंपटीटर आ जाएगा और सेम प्रोडक्ट ये कंपनी बनाएगी उस दिन इस कंपनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी कोविड 19 चल रहा है, अभी कोविड 19 के वजह से थोड़ा सा आदमी घर से निकल नहीं रहा, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, मतलब सब अंदर ही अंदर सब ऑनलाइन ही डिलीवर कर रहे हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ मतलब ले रहे हैं प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी, मतलब होम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसके चलते कंपनी को अच्छे खासे ग्रोथ भी हुआ है, रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ। लेकिन कभी जब सब सिचुएशन नॉर्मलाइज, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कोविड रहेगा, जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा उस समय कंपनी, तभी हमें देखना है कि कंपनी तभी भी क्या अपना मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट्स अपने जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करें तब भी क्या इतना प्रॉफिट और इतना ग्रोथ इतनी रेवेन्यू वो जनरेट कर पाएगी, इतना सस्टेन कर पाएगा, वी हैव टू नॉट लुक एट दैट। ओके, नंबर थ्री इज हेल्थ
जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, डिवाइस इंडस्ट्री इज कम्पिटेटिव। सही में जो हेल्थ प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है ये बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम है, कुछ कंपनीज ही हैं ऐसे, ज़्यादा नहीं है, कम से कम 4-5-6-7 सिर्फ 6-7 कंपनीज है हमारे इंडिया में, और उसमें से भी जो अच्छी कंपनीज हैं जो हमेशा प्रॉफिटेबल है वो सिर्फ 3 या 4 है। ठीक है, तीन है प्रॉफिटेबल, उसमें से एक न्यूरा का भी है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो जो भी हो, अगर इसके इसका जो मेन प्रॉब्लम है, अगर ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर नए मार्केट में इसका लॉन्च हुआ है, सब कुछ अच्छी बात है, मार्केट में लॉन्च हो रहा है, अभी इसका कोई कंपटीटर है नहीं, लेकिन जिस दिन नया कंपटीटर आ जाएगा और आने के बाद अगर इसका मार्केट शेयर वहाँ पे ये अपना ग्रैब करके नहीं रख पाया, तब जाके इसका प्रॉब्लम आएगा। फिर चौथा जो प्रॉब्लम आएगा क्या, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हैं, ये टाइम टेस्टेड नहीं है। ओके, लेकिन एक प्रोडक्ट अगर इसका या कई प्रोडक्ट्स इसके अगर फेलुअर हुए, सिस्टम फेलुअर हुए, तो उस समय इस कंपनी का जो रेपुटेशन या ब्रांड, वो ब्रांड में थोड़ा सा क्षति पहुँच सकता है, ब्रांड में धब्बा लग सकता है। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता, तो हम उतना सोचेंगे नहीं। फिर भी बता दे रहे हैं, ये कंपनी थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कंपनी कुछ भी जो लॉन्च कर रहा है, अपना प्रोडक्ट को भेज रहा है, डिलीवर कर रहा है, फैला रहा है बेस को, शेयर को, मतलब मार्केट शेयर को बढ़ा रहा है, तो क्या ये हमेशा हेल्प लेता है कौन, थर्ड पार्टी के हेल्प ले रहा है और थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहा है। अगर थर्ड पार्टी जो मैंने जो पार्टीज है, अगर वो इनके साथ उनका कंपनी का रिश्ता जो कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन है, अगर थोड़ा सा भी बिगड़ता है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आ सकती है। तो ये सब मैटर में हमें थोड़ा सा देखना है। लेकिन देखिए, ये ज़्यादा अगर मैं बताना चाहूँ, एक एक कंपनी को पूरा डिटेल करने जाऊँ ना, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। हर चीज़ को अगर मैं पूरा बताने जाऊँ तो 1 घंटा लग जाए, उतना पॉसिबल नहीं है। आप इस कंपनी को न्यूरेका लिमिटेड जो कंपनी है, आप उसको ज़रूर सर्च कीजिए, उसके वेबसाइट को देखिए, और जहाँ जहाँ इसका आर्टिकल्स मिले उसको पढ़िए, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत करके ही आपको आगे पॉसिबिलिटीज मिली, और उसके बाद जाके अगर आपको सही हर कंपनी में सही लगता है कि ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर हर महीने सिर्फ एक एक शेयर या फिर बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिएगा, तो इससे आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट में हो जाएगी और आपको अच्छा खासा पैसा रिटर्न भी मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, न्यूरेका लिमिटेड थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।